हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी डिशवॉशर में बर्तनों को कैसे प्लेस करते हैं और साथ ही डिशवॉशर में बर्तन किस तरह से क्लीन होकर निकलते हैं। लोगों का मिसकंसेप्शन है डिशवॉशर में बर्तन अच्छे से क्लीन नहीं होते, तो वो आप आगे डेमो में देख लोगे। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी, डिशवॉशर से जुड़ी हुई और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, जैसे कि डिशवॉशर के जो फिल्टर है कैसे क्लीन किया जाता है, और साथ ही डिशवॉशर में जो डिटर्जेंट यूज़ होता है वो किस तरह से रिफिल करते हैं हम, तो वो अब मैं वीडियो लिंक में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और जो सबसे पहला मिसकंसेप्शन है लोगों की, वो ये है क्या डिशवॉशर में वॉश करने से पहले बर्तनों को प्री रिंच करने की ज़रूरत होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बर्तनों को डायरेक्टली यूज़ करके आप डिशवॉशर में प्लेस कर सकते हो वॉश करने के लिए, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और साथ ही ये भी सवाल करते हैं क्या डिशवॉशर में चाय और दूध के बर्तन अच्छे से क्लीन हो जाते हैं? तो हाँ, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा जल गया होता है बर्तन, तो वो पहले वॉश में बहुत अच्छे से क्लीन नहीं होता। या तो आप उसे सेकंड वॉश के लिए डाल दो, या तो आप हाथों से स्क्रबर से क्लीन कर लोगे तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये भी सवाल पूछते हैं लोग, क्या डिशवॉशर में जो साइकिल चल रहा होता है उस इन बिटवीन हमें बर्तन की ज़रूरत पड़ती है या हमें प्लेस करना होता है, तो वो हम कर सकते हैं? तो हाँ, आप कर सकते हो, बस हमें पॉज करने की ज़रूरत होती है। और आप बर्तन चाहो तो निकाल भी सकते हो और आप चाहो तो प्लेस भी कर सकते हो, उसके बाद रिज्यूम करना होता है। ऐसा नहीं है, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। और ये भी पूछते हैं डिशवॉशर में मंथली एक्सपेंसेस कितना होता है? तो हम दो लोग हैं तो उस हिसाब से हमारा 400 से 500 मंथली एक्सपेंसेस होता है। मेरे पास जो डिशवॉशर है वो बॉश का है, मैं वो लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी के ब्रांड के डिशवॉशर भी मैं लिंक में दे दूंगी। और जो डिशवॉशर डिटर्जेंट होता है वो नॉर्मल डिटर्जेंट हम यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से डिटर्जेंट आता है, डिटर्जेंट, सॉल्ट और रिनजेड। तो मैं इन सब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ये है डिशवॉशर जो बिल्कुल हमने सिंक के सामने इंस्टॉल करवाया हुआ है। इसकी हाइट है 33 इंच और विड्थ 23 इंच। तो सबसे पहले मैं डिशवॉशर में सारे बर्तन प्लेस कर लेती हूँ। इसे इस तरह से प्लेस करना है मैक्सिमम बर्तन इसमें आ जाए। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें उल्टे साइड ही बर्तन प्लेस करना है डिशवॉशर में। इसमें कॉपर के बर्तन भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। हम इसमें लोहे के बर्तन और एल्युमिनियम वुडन वाले बर्तन रिकमेंडेड नहीं है, वो वॉश नहीं कर सकते। ये अब नीचे वाले रैक में सारे बर्तन में प्लेस कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो मैंने प्री रेंज नहीं किया है, जैसे यूज़ किया है उस तरह से मैं सारे प्लेस कर रही हूँ। ये चाय का बर्तन है और ये दूध वाली भी देख सकते हो। ये हमेशा चेक कर लेना है, इसे स्पिन बोलते हैं, ये कहीं किसी बर्तन में अटक तो नहीं रहा है। ये बहुत ज़रूरी है हर साइकिल के, साइकिल को चलाने से पहले चेक करना। और मैं ऑन कर लेती हूँ।
मैं इसे एक्सप्रेस स्पार्कल में इसे चलाऊंगी। ये 59 मिनट्स का होता है, तो ये 59 मिनट्स बाद ये बिल्कुल अच्छे से वॉश हो जाएगा। ये वॉश हो गया है तो आप लोग देख सकते हो ये बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हुए हैं, आप लोग खुद ही देखो। तो ये दूध वाली बर्तन भी देख सकते हो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। बर्तन प्लेस करने में हमें 5 से 7 मिनट्स लगता है, फिर निकालने में 5 से 7 मिनट्स। और सबसे अच्छी बात जो मुझे पर्सनली मुझे अच्छी लगती है डिश वॉशर की, वो है सारे ड्राई बर्तन निकलते हैं बाहर। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर,